आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। वैश्विक महामारी में लगातार काम करने वाली पूर्व राज्य मंत्री और समाज सेवी रजनी रावत समाज के गरीब तबकों की मदद करती नजर आई। उनके इस काम के लिए न केवल जनता उनका आभार व्यक्त कर रही है, बल्कि बड़े संत भी उनकी प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। सोमवार को पूर्व राज्य मंत्री रजनी रावत की आवास पर श्री श्री 1008 निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज उनसे मुलाकात करने पहुंचे। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने रजनी रावत के कार्यों की सराहना की और साथ ही उन्हें आशीर्वाद दिया कि आगे इसी तरह समाज की सेवा करती रहे। उन्होंने कहा कि भागिनी रजनी रावत राजनीतिक क्षेत्र में रहकर भी लोगों के कल्याण के लिए आगे आई और आज भी वो समाज में लगातार इंसानियत की मिसाल पेश कर रही हैं। गिरिजी महाराज जी ने परमात्मा से इस संसार में व्याप्त कोरोना खत्म करने, मानव सभ्यता के बचाव की प्रार्थना की। उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के लिए देहरादून से ज्योति मौर्य की रिपोर्ट। रजनी रावत जी एक बहुत अच्छी समाज सेविका हैं। मैं लगभग 8-10 वर्षों से बहुत करीब से जानता हूँ और आप गरीबों के लिए, गरीब लड़कियों के लिए, गरीब बच्चों के लिए आपका जो एक हृदय है वो निसंदेह है, विराट हृदय है। तो निसंदेह माँ काली का, गंगा मैया का, सभी संतों का आशीर्वाद तो इन्हें देखो मिलता ही है। दूसरी बात, इनका भी आशीर्वाद सबको चाहिए क्योंकि ये भी गादीपति हैं, ये भी गादीपति हैं और निसंदेह इनका जो आशीर्वाद है वो सभी के लिए बहुत ही फलीभूत रहता है। और क्योंकि मैं महादेव का सेवक हूँ और मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, तो महादेव भी इनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो मुझे लगता है कि रजनी रावत जी का पूरा जो कार्य क्षेत्र है वो समाज के लिए है, जीवन के लिए है और भारतीय संस्कृति के लिए है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये सतायु रहें, चिरायु रहें और ये जिस प्रकार से कोरोना काल हो, अभी कोरोना काल में भी अपने तीरथ सिंह जी को, मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी को आपने राहत कोष में देकर आया, पिछले त्रिवेंद्र जी को भी आपने दिया, वैसे भी आप हजारों लाखों और करोड़ों रुपए आप गरीबों के लिए बांटते रहते हैं। तो इनसे एक सीख लेनी चाहिए समाज को, इनसे एक समाज को सीख लेनी चाहिए कि समाज की सेवा हम कैसे कर सकते हैं। तो उसी कार्य को लेकर के आज भारत के सभी लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, उत्तराखंड के लगभग लोग आपकी प्रशंसा, आपकी गाथा गाते हैं, आपकी जो उदार चरित्र है उसका निरूपण जो शास्त्र में है उस प्रकार से मुझे लगता है सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। तो मेरी बहन है, आज मैं इनके आवास पे आया और ये मेरा घर है तो मुझे यहाँ आने का कोई संकोच नहीं और मुझे लगता है कि भारत के सभी लोग, उत्तराखंड के विशेष, आपसे सभी बहुत स्नेह करते हैं। तो रजनी रावत जी को बहुत बहुत बधाई है, बहुत सारा आशीर्वाद है और इनकी जो कार्य सेवा है वो समाज के लिए बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा महत्व है। महाराज जी का आज ही का आशीर्वाद नहीं है, महाराज जी से मैं कभी करीब मैं 10-11 साल से जुड़ी हूँ। कैलाश आनंद जी महाराज जी हैं, ये अब सबसे ऊंचा पद में महाराज जी बैठे हुए, करीब मैं अपने सगे भैया से भी मैं ज़्यादा भाई मानती हूँ महाराज जी को, और वो अपनी बहन, सगी बहन मानते हैं, पर हमारे दोनों भाई बहनों में बहुत अच्छा वातावरण है। मैं भी जाते रहती हूँ आश्रम में, हरिद्वार में। आज मैंने अपने भाई महाराज जी को मैंने अपने घर में बुलाई थी। मैं तो सोची थी कि, मुझे तो कोई पता भी नहीं था कि इतना बड़े मानत हमारे घर में आएंगे संन्यास लोग, तो पर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि महाराज जी हमारे घर में आए, चरण प्रणाम करे हैं उन्होंने। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, अपने भाई महाराज जी को, और बस सभी को आशीर्वाद मिला है उनका, उनका कदम ही पड़ना बहुत अच्छी बातें हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही काफी, बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर।